सामने हमारा तिरंगा लहराता हुआ और इधर മലയാളത്തിൽ പറയാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനോജേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ധൈര്യപൂർവ്വം വന്നു വിളി ദേഖിയ ഗൈസ് പിച്ചലി ഏക് ഘണ്ടെ മേ ക്യാ ക്യാ ഘട്ട് ഗയാ ഭായി ബഹുത് തേജ് ആന്ധി ആയി ഐസാ ലഗാ സബ് കുച്ച് ഉഡ് ജായേഗാ ഉസ്കേ ബാദ് ധൂപ് നിക്കൽ ആയി ഔർ ഫിർ 10-15 മിനിറ്റ് ബാദ് അബ് ബാരിശ് ഹോ രഹി ഹൈ ദേഖിയ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज की कहानी कुछ ऐसी है कि कल वाले ब्लॉग में थोड़ी सी हिंट दी है कि मेरे साथ क्या गड़बड़ हो गई है। मेरी गाड़ी में दिक्कत आ गई और लगातार भाई 2 महीने में मैंने जब से गाड़ी ली है ना, 2 बार इंजन में काम हो चुका है और दोनों बार एक ही दिक्कत थी कि गाड़ी ऑयल उठा गई थी। तो शकील से आज झगड़ा करना है, उससे लड़ना है, पूछना भी है कि गाड़ी सही से सेट क्यों नहीं कर पा रहा है, हर 15 दिन बाद कोई ना कोई दिक्कत क्यों आ जाती है। भाई पैसे लगा दिए मैंने, फिर भी गाड़ी से कमा नहीं पा रहा हूँ, उल्टा लगाने पड़ रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसे मिस्त्री को दिखाने का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज शकील से जाके झगड़ा होना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या हो रहा है मुकेश भैया? मुकेश भैया क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मद्दा काट रहे हैं, धूप में बैठे हैं टम्पू के ऊपर, कोई देख रहे, घर वाली धूप पड़ रही है यार। कोई देख रहे हैं उधर, हमारे कुछ और मित्र बैठे, सलीम गुड मॉर्निंग, कुछ देख रहे हैं गाड़ी, उसके पीछे इकबाल है गुड मॉर्निंग, मिल जाए तो उसके पीछे मुकेश भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब ने बोल दिया भाई। ये हमारे मुकेश भाई हैं जो फ्रंट पे बैठे हैं, देख रहे हैं, कोई बैठे बैठे गाड़ी पे हल रहे हैं अपनी में, क्या करें, रोजगार पर लगे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। और इस तरफ से गाड़ी आई है तो सवारियां भी निकल रही हैं गाइस। मथुरा का 3 नंबर गेट, हमारी कर्म भूमि, ये है निसार भाई, हेलो, इधर से सवारियां आ रही हैं। यार मैं गाड़ी लेके निकला था काम करवाने के लिए, लेकिन सुबह सुबह कुछ पैसे कमा लेते हैं, जिम में कुछ आ जाए तो फिर जाने में अच्छा रहेगा। आज बैटरी डलवाऊंगा, कल इसको इंजन को चेक कराऊंगा, क्या दिक्कत है, कैसे नहीं भाग रही है। तो गाइस आपको ये सर याद है ना, अश्विन सर, 2 दिन पहले मैंने घुमाया था, अभी स्टेशन के लिए लेके आया हूँ। सर मेरे लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मनोज जी एक अच्छा आदमी है, कोई भी मदुरा आता तो अब उसको कॉल करना यार। थोड़ा सा आपकी भाषा जो केरला की भाषा, उसमें केरला से अगर कोई घूमने आ रहा है उसके लिए और बोल दीजिए। मलयालम से पढ़िया केरल तुम आरेंगे इवडे वेरुन्नुंडेंगिले മനോജേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ധൈര്യപൂർവ്വം വന്നു പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി എല്ലാവരെയും കറക്കിയിട്ടെല്ലാം കാണിക്കും, അത് തന്നെ। താങ്ക് യു സർ। तो ये अश्विन सर से मैंने 2 दिन पहले इनको घुमाया था, मथुरा और गोकुल दोनों जगह। आज सर को वापस जा रहे हैं तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर छोड़ने के लिए इनको आया हूँ। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, आज मैं फंस भी गया यार, तो कल लगभग 10-15 मिनट सर को मेरे लिए वेट करना पड़ा है, तो उसके लिए सॉरी है सर। नहीं, ओके, धन्यवाद सर। तो गाइस घर आ चुके हैं, ये घर में घुसते हमारी खुशी घूम रही है। हेलो हेलो खुशी, आ जाओ, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये घूम रही है हमारी मम्मी, हेलो मम्मी, और कौन कौन है अंदर? ये रहे कब्बू टिल्लू, हेलो, आज गिफ्ट है तुम्हारे लिए, एक मिनट मैं दूंगा। ये रही कब्बू की चॉकलेट, ये रही टिल्लू की चॉकलेट। तो अश्विन सर आपकी चॉकलेट बच्चों तक पहुंच गई है, और ये आ गई हमारी तीसरी, ये लो खुशी, ये खुशी की चॉकलेट है, तीनों को पहुंच गई, अंजलि रह गई है, उसकी जगह शाम को आ जाएगी जब दे दूंगा। तो गाइस दोपहर के 12:15 बजे हुए, अभी अभी घर पे आया हूँ, और 2 दिन पहले मैंने एक सर को घुमाया था जिनका नाम अश्विन था, केरला के रहने वाले थे, तो उन्हें मैंने मथुरा की जन्मभूमि और गोकुल वगैरह घुमाया था। आज उन्हें वापस जाना था अपने घर के लिए, तो सुबह उन्होंने कॉल करके बता दिया था कि भैया मेरी दोपहर को 12 बजे ट्रेन है, आप मुझे होटल पे आ जाना लेने के लिए। तो मैंने उन्हें गया लेने के लिए स्टेशन छोड़ के, अब आया हूँ घर, और जब घर से निकल रहा था मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया था कि मेरी गाड़ी के इंजन में दिक्कत आ गई थोड़ी सी, उसे दिखाने के लिए जाऊँगा, लेकिन भाई मेरा ऐसा ही है कि निकलता कुछ कह गया और काम कोई और बन जाता है। मेरी गाड़ी में काफ़ी दिनों से एक दिक्कत आ रही है कि गाड़ी मनचाया बंद हो जाती थी और बैटरी इसकी ख़राब थी, तो धक्का लगा के स्टार्ट करनी पड़ती थी। तो मैं काफ़ी दिनों से पैसे इकट्ठे कर रहा था इस बैटरी को चेंज करवाने के लिए, काफ़ी महंगी बैटरी डलती है भाई। तो आज मेरे पास पैसे थे और 2 बार बंद हो गई थी, 2 बार धक्का लगवाया, बहुत परेशान हो गया था मैं, जा तो मिस्त्री के पास ही रहा था, लेकिन सोचा कि सुबह से कुछ कमा लेता हूँ, स्टेशन पर जाके भाई सवारी लेके बंद हो गई गाड़ी, तो धक्का लगवाना पड़ा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो सोचा कि मिस्त्री के पास बाद में जाऊंगा, पहले इस गाड़ी का जो बैटरी का झंझट है, बार बार धक्का लगवाने का, इसको ख़त्म करवा लेता हूँ। तो मैं निकल गया था वहाँ के लिए, बैटरी डलवाई, आते आते मुझको लेट हो गया,
तो अश्विन सर थोड़े से लेट हो गए 15 मिनट मेरी वजह से, हालांकि ट्रेन नहीं छूटी है उनकी, ट्रेन मिल गई उनको, तो उन्हें छोड़ के अब आया हूँ घर। अब घर पे खाना पीना खाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, शाम को फिर से निकलेंगे, और हो सका अगर दिमाग बना मेरा या टाइम मिला मेरे को तो शाम को मैं जाऊँगा शकील की दुकान पर गाड़ी को दिखाने के लिए, उससे बोलूँगा भाई 2 बार इंजन कर दिया फिर भी दिक्कत आ रही है, ऐसा कैसे काम कर रहा है, मैं ऐसे कैसे कमाऊँगा। छह मेरे कप्पू टिल्लू दोनों की दोनों चॉकलेट खाने में लगी हुई है जो अश्विन सर ने दी थी। बहुत अच्छे आदमी थे यार, उन्होंने आते टाइम पर मेरे लिए पहले से ही वो चॉकलेट रख के लाए थे, उन्होंने ब्लॉग देखे थे मेरे से, पूछा था मेरा चैनल, तो ब्लॉग में देख कर ही उन्हें शायद बच्चों के बारे में पता चल गया, तो वो चॉकलेट उन्होंने पहले से ही लेके रखी हुई थी। जब गाड़ी से उतर रहे थे तो मेरे को पकड़ा दी, भैया ये बच्चों के लिए दे देना, मैंने आते ही बच्चों को दे दिए और इन्होंने खींच भी डाल दी है। ये देखिए गाइस पिछले 1 घंटे में क्या क्या घट गया भाई, बहुत तेज आंधी आई, ऐसा लगा सब कुछ उड़ जाएगा, उसके बाद धूप निकल आई और फिर 10-15 मिनट बाद अब बारिश हो रही है। ये देखिए पहले आंधी, फिर उसके बाद धूप निकली, फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई, 1 घंटे में 3 मौसम दिखा दिए। ये हमारी टिल्लू है इधर पढ़ाई करने में लगे, टिल्लू पढ़ाई कर रही हो? अब बारिश हो रही है गाइस, मैं निकलने की सोच रहा था कि निकल जाता हूँ, आज मौसम ठंडा हो गया तुरंत बारिश शुरू हो गई यार। गाइस जिसको हल्का फुल्का समझ रहे थे तो और ज़्यादा तेज होता ही जा रहा है भाई, बहुत तेज आंधी चल रही है और बारिश भी हो रही है, आजकल के मौसम का कोई भरोसा नहीं यार, 2 मिनट में कुछ 2 मिनट में कुछ। ये कब्बू निकल के आ गई, हमारी लाइट चली गई है, तो कब्बू क्या हुआ है, बारिश हो रही है। तो गाइस अभी पिछले 1-1.5 घंटे में इतना कुछ घट गया है भाई, पहले तो बहुत भयंकर वाली आंधी आई, ऐसा लगा सब कुछ उड़ जाएगा, उसके बाद में धूप निकलाई, मौसम साफ हो गया और थोड़ी देर बाद भाई बारिश आई, सब कुछ गीला हो रखा है, ये देखे पूरी पूरी गली वगैरह ठीक ठाक बारिश हो गई। मैंने वीडियो बना के दिखाया भैया इससे पहले आपको, 3-3 मौसम धड़ाधड़ 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर, और फिर से धूप निकल आई थी, अब दोबारा से छांव हो गई है, तो अब निकल रहे हैं गाड़ी लेके, दोपहर तक का अपना जो आराम था वो हो गया ख़त्म, लाइट आ नहीं रही है, आंधी की वजह से लाइट चली गई है भाई, तभी से लाइट नहीं आ रही, घर में लग रही है अंदर गर्मी, इससे अच्छा अंदर बाहर चलेंगे, बाहर का मौसम ठंडा हो रखा है, थोड़ी बहुत गाड़ी चलाएंगे। 2000 रुपये दे के आया हूँ भाई, बैटरी डो भाई, नहीं पैसे नहीं है जिम में, तो कुछ जेब के लिए अपने लिए कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। ये कब्बू टिल्लू का मौसम ठंडा हो गया, तो इनके लिए मौसम बहुत अच्छा हो गया, गली में घूमने में लगी हुई है दोनों। आज कब्बू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, कब्बू बुखार आ रहा है, कब्बू को बुखार आ गया है यार। और एक और बात जो बताना भूल गया आपको, गीता है उसकी भाभी की मम्मी एक्सपायर हो गई थी 12-13 दिन पहले, तो आज उसकी मम्मी के पुए हैं मतलब कार्ज है, कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मेरी बुआ जी का हुआ है, तो मंकू अंजलि और गीता तीनों के तीनों गए हुए हैं वहाँ पे। गीता के जो गांव वाले हैं वो ट्रैक्टर भर के डीजे वगैरह लेके गए हैं, गीता मंकू अंजलि तीनों के तीनों वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ से उनके साथ में गए वो लोग, तो पुआ खा के शाम तक आएंगे, फिलहाल अपन चल रहे हैं काम पे, कुछ पैसे कमा लाते हैं। ठीक है गाइस एक बार फिर से मौसम बिगड़ गया भाई, सामने हमारा तिरंगा लहराता हुआ और इधर देखिए मौसम फिर से ख़राब हो रहा, धूप निकल आई थी जब मैं घर से निकला था ना तो धूप निकल रही थी, अब फिर से बादल हो गया है। ये हमारा झंडा क्या शान से लहरा रहा और ऐसे ही लहराता रहेगा। इधर बैठे हमारे कुछ मित्र, चाय पी रहे हैं हम लोग, 4 लोग बातें कर रहे हैं। मौसम के बारे में कुछ कहिए, मौसम कैसा हो गया? मौसम बहुत सुहाना है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले क्या हाल था? सबसे पहले सड़ी गर्मी पड़ रही थी, गर्मी के मारे जलन हो रही थी शरीर के अंदर। गाइस भाई आज गाड़ी में 2000 रुपए लगाए थे, तो सोच रहा था कुछ लेट तक रुक जाऊं, कुछ काम धंधे कर लेते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं भाई, लेकिन आज फिल्म पिटी हुई है शाम के टाइम के काम की, क्योंकि जब घर से निकल रहा था तभी से मौसम ने ऐसी जाम बनाई, काम ही नहीं है बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किलों से 2 चक्कर लगाए, अभी 8 बज चुके हैं, यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं, घर के लिए निकल रहे हैं, कल किस्मत फिर से आजमाएंगे, अपनी ज़िंदगी ऐसी है। हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग कहते हैं रोज़ाना गड्ढा खोदो, रोज़ाना पानी पियो, वो वाला हिसाब है भाई, तो हर रोज़ हमें रोज गड्ढा करना पड़ता है, रोज़ाना पानी निकालना पड़ता है, क्या करें ज़िंदगी ऐसी है। तो गए शाम के 10 बजे हुए हैं, गाड़ी चला के आ गया हूँ घर, शाम के टाइम में कुछ खास काम मिला नहीं और काफ़ी देर तक रहा था मैं, 8:15 बजे तक कुछ भी नहीं मिला, वैसे भी आज IPL का मैच था राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच, वही देख रहा हूँ तब से, ब्लॉग लगभग एडिट हो गया है, थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट ये भी एडिट करना है, और जो गीता मंकू और अंजलि गए थे पुआ खाने के लिए, उसकी नानी गए यहाँ पे, वहाँ से खा के वापस आ चुके और आके बताया कि व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन बारिश आई ना यहाँ पे भी, जो आई थी बारिश उसी की चर्चा है कि बारिश ने पूरा मामला बिगाड़ दिया,
फिर भी वो लोग घर आ चुके हैं, अब खाना पीना सबका हो चुका है, सोने की तैयारी है। तो फटाक से इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड। तो आइए गाइस, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।